हम लेक्चर शुरू में बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या होती है और इसके कार्य क्या है और शरीर में इसकी स्थिति क्या रहेगी, तो अपना टॉपिक है क्लास 12 के लिए। क्लास 12 बायो और टॉपिक है अपना थायराइड ग्लैंड। जिसे हिंदी में हम अपटू ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो थायराइड ग्लैंड की हम पोजीशन देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड अपने गर्दन वाले भाग में प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रेकिया के दोनों तरफ तितली समान यानी कि एच के आकार की एक ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि है वो अपने श्वास नली के पास स्थित होती है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और एक गर्दन वाले भाग में उपस्थित होती है यानी कि ग्रीवा में उपस्थित रहती है। दूसरी बात, इसके अगर आकार की बात करें तो इस संरचना में द्विपाली संरचना है। ये थायराइड ग्रंथि की संरचना की बात करें तो थायराइड ग्रंथि की संरचना हम देख सकते हैं कि एक द्विपाली संरचना होती है जो कि हमको एच के आकार के दिखाई देती है। द्विपाली संरचना है जो कि हमको एच आकार की दिखाई देती है, जो कि हमारे ग्रीवा के दोनों ओर स्थित होती है। ये संयोजन सेतु द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ये दोनों पालियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है, इसे हम बोलते हैं संयोजन सेतु। संयोजन सेतु से ये थायराइड ग्रंथि के दोनों पालियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। वैसे उसमें इस ग्रंथि की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर की होती है और इसकी चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर की होती है। एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य में इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर की देखी जा सकती है। दूसरी बात करें, इसका भार जो है लगभग 25 ग्राम तक हो सकता है। इसका भार लगभग 25 ग्राम तक हो सकता है इस ग्रंथि का भार, और वृद्धावस्था में ये ग्रंथि छोटे आकार में हो जाती है। जैसी वृद्धावस्था में ये ग्रंथि प्रवेश करेगी तो वृद्धावस्था में क्या होता है, इस ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स की मात्रा भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ये ग्रंथि क्या होती है, छोटी छोटी गोलाकार कोशिकाओं की बनी होती है। छोटी छोटी कई सारी गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जिसकी ग्रंथि बनी होती है, और कोशिकाएं ये पीले तथा पारदर्शी कोलाइडी पदार्थों से भरी होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, पीले पारदर्शी कोलाइड से भरी होती हैं, इसके कारण जिनको पीले रंग की ग्रंथि के रूप में उनको दिखाई देती है, और आयोडीन युक्त कोलाइड ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ को आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। इसमें जो कोलाइडी पदार्थ होता है उसमें आयोडीन उपस्थित होता है, आयोडीन उपस्थित होता है, तो आयोडीन युक्त कोलाइड जो है उन आयोडीन युक्त कोलाइड के लिए पर्टिकुलर नाम होता है जिसे हम कहते हैं आयोडोथायरोग्लोबुलिन, आयोडोथायरोग्लोबुलिन। इसे कहा जाता है क्योंकि आयोडीन के साथ मिलकर के ये क्रिया संपन्न होती है। दूसरी बात, ये थायराइड ग्रंथि जो है वो आयोडीन की उपस्थिति में ही क्रियाशील होती है। अगर आयोडीन की अनुपस्थिति हो जाए तो थायराइड ग्रंथि अपनी विकृति संरचना में आ जाती है और ये अपने प्रभाव को धीरे धीरे कम करने लगती है।
इसके कारण शरीर में अनेक विकृतियां यानी कि थायराइड ग्रंथि पर पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल रहता है और पिट्यूटरी ग्रंथि पर थैलेमस हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की मास्टर ग्रंथि कहलाती है जबकि थायराइड ग्लैंड की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि अपनी थायराइड ग्रंथि और इसके अलावा बॉडी के अंदर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन पर अपना नियंत्रण रखने का ये कार्य करती है। दूसरी बात यह है कि ग्रंथि जो है ये कोशिकाओं से मिलकर की होती है। ये कोशिकाएं धनात्मक आकार की होती हैं यानी कि ये क्यूबॉइडल आकार की कोशिकाएं होती हैं जिसकी ये बनी होती हैं कोशिकाएं क्योंकि क्यूबॉइडल आकार की होती हैं। और इसके स्टोमा वाले भाग में संयोजी ऊतक जिसकी संयोजी ऊतक का बना होता है इसका आंतरिक भाग एक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्टोमा जो कि संयोजी ऊतकों का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज संयोजी ऊतकों का बना होता है यानी कि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। उम्र बढ़ने के साथ साथ आयु बढ़ने के साथ साथ ये ग्रंथि धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और इन्हें पैराप्रोटोकीय कोशिकाएं कहते हैं। यहां पर क्या होते हैं पैराप्रोटोकीय कोशिकाएं उपस्थित होती है। अब इसके द्वारा कुछ विशिष्ट हार्मोन साबित किए जाते हैं जैसे कि थायरोसिन जिसे टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं यानी कि थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन कौन से हार्मोन साबित किए जाते हैं और उनके कार्य क्या क्या रहेंगे। तो डालते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा साबित होने वाले हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन या टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन। थायरोक्सिन या टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन हार्मोन ये जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया पुटकी कोशिकाओं की उपस्थिति में ये क्या करते हैं उनके द्वारा एक काम किया जाता है जिसमें बोलते हैं TSH। पुटकी कोशिकाओं का एक हार्मोन साबित होता है जिसे बोलते हैं TSH यानी कि TSH की कंपाउंड की बात करें तो इसका नाम है थायरॉइड टायरोसिन और आयोडीन द्वारा इसका स्रावण किया जाता है। यह है अपना थायरोक्सिन हार्मोन।
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे हम TSH के नाम से जानते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की विभिन्न अन्य ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रख सकता है और अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं को संचालन के लिए सहायक होता है। जिनमें से तीसरा हार्मोन है ट्राइआयोडोथायरोसिन। ट्राइआयोडोथायरोसिन क्या होता है, इसे हम T3 के नाम से भी जानते हैं, T3 के नाम से जानते हैं। इसमें आयोडीन युक्त हार्मोन है ये। इस हार्मोन में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी कि आयोडीन की उपस्थिति हार्मोन सक्रिय होता है और ये T4 की तुलना में अधिक सक्रिय तथा शक्तिशाली होता है। T4 की तुलना में अधिक सक्रिय होता है ये, T4 की तुलना में यह हार्मोन अधिक सक्रिय होता है, इसे T3 के नाम से भी जानते हैं। और कुल हार्मोन का ये लगभग 10% भाग बनाता है। T3 हार्मोन कुल हार्मोन का लगभग 10% भाग इसके द्वारा बनाया जाता है। अगली बात करते हैं कि T3 T4 समृद्ध रूप से थायराइड हार्मोन कहलाते हैं, जो कि अग्रपात तथा पक्षपात के निर्माण में सहायक होते हैं। अग्रपात तथा पक्षपात के विकास में ये सहायक होते हैं, उनके हाथों तथा पैरों के विकास के लिए ये हार्मोन अधिक आवश्यक होते हैं। अगली बात करते हैं, तीसरा है अपना विषम कहते हैं कैल्सिटोनिन। हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। तीसरा हार्मोन है अपना कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात करें तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है, इसे सी कोशिकाएं हार्मोन का निर्माण करती हैं। थायराइड में अपनी सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके द्वारा इस हार्मोन का निर्माण किया जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, मूत्र में कैल्शियम में उत्सर्जन में वृद्धि करता है। मूत्र में कैल्शियम में वृद्धि करता है, यानी कि कैल्शियम को अतिरिक्त जो कैल्शियम है उसको मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। और इसके साथ ही अस्थियों के विघटन को कम करता है, ये अस्थियों के विघटन को भी कम करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये पैराथायरॉयड ग्रंथि के पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ये क्या करता है, इसमें थायरॉयड ग्रंथि में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पैराथायरॉयड। पैराथायरॉइड ग्रंथि है उसके द्वारा पैराथार्मोन स्रावित होता है। पैराथार्मोन और पैराथार्मोन के ये विपरीत कार्य करने का काम करता है, इसके विपरीत कार्य करता है। पैराथार्मोन के विपरीत इसके स्रावण का कार्य करता है। अब बात करते हैं थायरोक्सिन के कार्य के बारे में। थायरोक्सिन के कार्य के बारे में बात करें तो यह अक्सी कारक उपापचय को बढ़ाकर कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन की दर को बढ़ाता है। इनके कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य होता है इनका अक्सी कारक उपापचय में वृद्धि। अक्सी कारक उपापचय में वृद्धि, यानी कि यह हार्मोन क्या करता है कि ऑक्सीकारी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनकी मात्रा में वृद्धि करने का काम करता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है, उनकी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। दूसरा कार्य होता है ये इंटेस्टाइन, यानी कि आंत्र द्वारा ग्लूकोज के
अवशोषण को बढ़ाता है। ये ग्लूकोज की अवशोषण बढ़ाने के साथ साथ ये ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाता है और आधारित पाचन दर की वृद्धि करता है। पाचन दर में वृद्धि का ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाना, ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाना मुख्य कारण में से माना जाता है। यानी कि आंत्र में जितने भोजन का पाचन होता है वहां पर ग्लूकोज के रूप में भोजन का अवशोषण किया जाता है, तो उसकी दर में वृद्धि करता है, साथ में उपापचय दर में वृद्धि करने का काम करता है और साथ में ऑक्सीजन की खपत को भी बढ़ाने का कार्य करता है। ये क्या करता है? अगला जो तीसरा कार्य है इसका, ये एंजाइम्स जिन्हें हम जैविक उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरॉइड प्रकृति के हो सकते हैं, एंजाइम्स तथा प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है और साथ के साथ से ग्लाइकोजेनेसिस और शारीरिक ताप का नियंत्रण करता है। ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया में जो भी कोशिका द्रव्य सुपन होती है और साथ में शारीरिक ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। शारीरिक ताप का नियंत्रण करने का यह कार्य भी करता है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि द्वारा कई प्रकार कार्य किए जाते हैं। एक ये करता है मेढक के टेंटकुल लार्वा में कायंत्रण, ये कायंत्रण में सहायक है, कायंत्रण में सहायक हार्मोन है। अगर थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण ना हो तो कायंत्रण की प्रक्रिया रुक जाएगी। जैसे कि धरती पर कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें अप्रत्यक्ष भ्रूणीय प्रवर्धन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष भ्रूणीय प्रवर्धन का मतलब यह है कि वयस्क प्राणी प्रजनन विधि द्वारा एक मध्यवर्ती अवस्था विकसित करते हैं जिसे हम लार्वा कहते हैं, जैसे कि मेढक में टैडपोल लार्वा विकसित किया जाते हैं जो कि कायंत्रण करके वयस्क मेढक में बदल जाते हैं। तो उसमें कायंत्रण के लिए सबसे जिम्मेदार होता है अपना थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है? जो चीज सबसे वाली होती है कोल्ड ब्लड एनिमल, कोल्ड ब्लड एनिमल, कोल्ड ब्लड एनिमल यानी कि शीत रक्त प्राणियों वाले प्राणी में पराशरण नियमन एक कार्य करता है, फॉस्फोरेगुलेशन का कार्य करता है, ये पराशरण नियमन को कंट्रोल करता है। पराशरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु कम सांद्रता से अधिक क्षमता की ओर अधिक पाचन विधि द्वारा गमन करते हैं जो कि पराशरण विधि कहलाती है। और अधिकांश जलीय प्राणी हैं जो कि कोल्ड ब्लड एनिमल के नाम से जाने जाते हैं, उनमें पराशरण नियमन को नियंत्रित करने का काम थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। ये क्या करता है? तंत्रिका स्रावी रसायन जो होते हैं जैसे एड्रेनालिन है, नॉन एड्रेनालिन है, तो उनकी क्रियाविधि को ये बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन की क्रियाविधि को बढ़ाने का कार्य करता है। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन जो है उनकी क्रियाविधि को सक्रिय करने का भी ये इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में कि थायराइड में थोड़ी सी कमी है, इसके अत्यधिक स्राव है, इसकी इसके द्वारा स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनकी मात्रा में कमी आ जाए या वृद्धि हो जाए तो उनके कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने इसके कार्य के बारे में जाना है कि अगर थायरोक्सिन की मात्रा में अगर कमी हो जाए तो जो शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं जिन्हें कोल्ड ब्लड एनिमल कहते हैं उनकी पराशरण नियमन की क्रिया रुक जाएगी। जिन प्राणियों में अप्रत्यक्ष भ्रूणीय प्रवर्धन हो रहा है उनके लार्वा कायंत्रण करना बंद कर देंगे, यानी कि उनकी लार्वा अवस्था जीवन भर लार्वा अवस्था में बनी रहेगी जिसे हम नियोटेनी कहेंगे। तो नियोटेनी का सबसे बड़ा कॉज यही है कि इसमें थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा में अगर जलाशय कमी आ जाए या इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण अन्य जो ग्रंथियां हैं उन पर भी प्रभाव दिखाई दे सकते हैं और अंगों के अंदर की वृद्धियां भी देखी जा सकती है। जिनमें से पहली बीमारी है जड़ मानवता, पहला रोग है जड़ मानवता।
जड़ मानवता की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। और जड़ मानवता की अगर हम बात करें क्रेटिनिज्म की, तो इसमें क्या होता है कि ये रोग जो है थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है, थायरॉक्सिन की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। थायरॉक्सिन की कमी के कम स्राव होने के कारण होता क्या है, शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक और मानसिक बुद्धि का विकास रुक जाता है। जब शारीरिक और मानसिक वृद्धि का रुकता विकास हो जाता है तो इसी स्थिति को हम कहते हैं जड़ मानवता, यानी कि हाथ पांव बेजोड़ हो जाएंगे, हाथ पैरों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो जाएगा, उपाप से जड़ में कमी आ जाएगी, उपाप से जड़ में कमी हो जाती है जिसके कारण अंगों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, जटिल हो जाती है समस्याएं, हाथ पैरों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, T3 और T4 हार्मोन की कमी हो जाने के कारण से हाथ और पैर तथा विकसित नहीं हो पाते और अंकाल का विकास नहीं हो पाता, मूत्र में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा साबित होने लगती है, अस्थि में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, तो ये स्थिति कहलाती है जड़ मानवता। दूसरी स्थिति है जिसे हम बोलते हैं हम मिक्सी डिमा। मिक्सी डिमा भी एक थायराइड ग्रंथि से संबंधित एक बीमारी है, एक रोग है। ये क्या होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन की कम स्राव होने के कारण की ये मिक्सी डिमा स्पष्ट होती है। लेकिन मिक्सी डिमा की पहचान की बात करें तो इसमें त्वचा मोटी हो जाती है, बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं, त्वचा मोटी हो जाती है और बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है, और साथ के साथ स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, यानी कि मानव की जो याददाश्त मेमोरी कम होने लगती है, तो याददाश्त कम होती है तो उन चीजों को भूल लगता है और उसे कोई भी घटना याद नहीं रह पाती है और इसमें धीरे धीरे त्वचा पीली होने लगती है और जन क्षमता में कमी आ जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और जन क्षमता में कमी आती है जिसके कारण स्टरिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम नर बद्धता या मादा बद्धता के नाम से भी जानते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है मिक्सीडिमा, इस रोग को कहते हैं मिक्सीडिमा, जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स में कमी होने के कारण विकसित होती है। और सामान्य लक्षणों की बात करें, मोटी त्वचा, बालों का झड़ना, मेमोरी कमजोर, त्वचा पीली और जन क्षमता कम, इसके आधार पर निर्धारित करते हैं किसी व्यक्ति में मिक्सीडिमा। तीसरे रोग की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं गलगांड या घेंगा रोग, जो कि ग्लोइटर कहलाता है। इस रोग में क्या होता है, ये ग्रंथि थोड़ी आकार में फूल जाती है, गलगांड रोग की बात है तो जो थायराइड ग्रंथि है, गलगांड रोग में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाती है, यानी कि विकृत हो जाती है फूल करके, और विकृत हो जाने की वजह से इसकी गर्दन मोटी मोटी दिखाई देती है और भोजन में आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। इस रोग का सबसे बड़ा मुख्य कारण है आयोडीन की कमी, यानी कि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है और थायराइड आयोडीन की उपस्थिति में ये ग्रंथि अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेती है, यानी कि विकृत हो जाती है और शरीर में विभिन्न प्रकार के गर्दन जैसे गर्दन का फूल जाना जैसे रोगों को विकसित करने का कार्य करती है। अगला है अपना हाशिमोटो रोग एक डिजीज है जो कि इसके अल्प स्राव के कारण की जाती है, यानी कि अगर हम अत्यधिक मात्रा में औषधि सेवन कर रहे हैं तो इसके अल्प मात्रा स्रावित हो सकती है, जो कि
एंटीजन की तरह पहचानी जाती है। तो होता क्या है कि इसके रोग में अब आपके उपचार में ली जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, जो कि एंटीजन की पहचान करती हैं, उनके विरुद्ध ये एंटीबॉडीज बनाने का कार्य कर देती हैं। जैसे कि थायराइड से संबंधित कोई बीमारी है, कोई रोग है, उससे संबंधित अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो वो दवाई क्या करती है, एंटीजन डेवलप करती है और इन एंटीजेंस के विरुद्ध ये क्या करती है, थायराइड ग्रंथि एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है और एंटीबॉडी एंटीजेंस आपस में क्रिया करके एक दूसरे को समाप्त कर लेती हैं और थायराइड ग्रंथि पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और इसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या, यानी कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे हाशिमोटो डिजीज भी कहते हैं। इसके साथ ही कई सारे जैसे कि नेत्र संबंधी रोग भी हो सकते हैं, कि नेत्र संबंधी गलगंड रोग हो सकता है, इसके और भी ट्यूमर रोग हो सकते हैं और ग्रंथि रोग हो सकते हैं। ट्यूमर रोग की बात करें तो थायराइड ग्रंथि पर जगह जगह गांठों का बनना ट्यूमर रोग कहलाता है। कि थायराइड ग्रंथि क्या करती है, नॉर्मल स्पीसीज रखता है, इस पर जगह जगह ग्रंथियां बनने लग जाती हैं, गांठें बनने लग जाती हैं और इन गांठों के बनने की क्रिया को हम कहते हैं प्लूमर। इन गांठों को पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं प्लूमर, इसीलिए इस रोग का नाम रखा गया प्लूमर रोग। तो क्योंकि थायराइड ग्रंथि जगह जगह प्लूमर्स बन जाते हैं। और तीसरा है अपना ग्रेवी रोग, इसमें क्या होता है, ग्रंथि फूल जाती है और ग्रेवी यानी कि बड़े साइज के आकार की उनको दिखाई देती है, जो कि एक गलगंड जैसे संबंधित बीमारी के नाम से जानी जाती है। वैसे ये गलगंड नहीं होता है, गलगंड आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है, लेकिन ये किसी भी दुर्घटना या किसी भी अन्य कारण से, किसी दूसरे कारण से आयोडीन की कमी के अलावा फूलने की स्थिति को हम कहते हैं ग्रेवी स्थिति। तो इस प्रकार से थायराइड संबंधी कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य के अंदर देखी जा सकती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि हमारे उपापचय क्रियाओं, हमारे श्वसन संबंधी क्रियाओं, भोजन के पाचन, ग्लैकोलाइसिस चक्र के चक्रीकरण आदि सबके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इनके द्वारा स्रावित आने वाले हार्मोन शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में अपना योगदान देते हैं। अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि की। पैराथायरॉयड ग्रंथि क्या होती है कि थायरॉयड ग्रंथि के साथ ही उपस्थित होती है। बता चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि एक दो पाली संरचना होती है, इसकी दोनों पालियों की पृष्ठ सतह पर दो दो पिंड उपस्थित होते हैं, अर्थात ये चार की संख्या में उपस्थित रहती है। इसके डायग्राम में देख सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो कि त्रिज्या आकार की एस के आकार की दिखाई दे रही है, इसमें दो काले काले डॉट दिखाई दे रहे हैं जो कहते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसी रूप में उपस्थित होती है, पृष्ठ सतह पर होती है और इसकी जो लंबाई है लगभग 6 से 7 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई 3 से 4 मिलीमीटर और इसका भार लगभग 0.01 से 0.03 ग्राम तक इसका भार रखा जा सकता है। दूसरी चीज, ये ग्रंथि जो होती है वो हमको लाल रंग की दिखाई देती है और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे कहते हैं पैरा थार्मोन, जिसे कॉपुलर ने पहली बार देखा था कॉपुलर ने, इसलिए इसको कॉपिल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसके कार्य के बारे में, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा जो पैराथार्मोन स्रावित होता है उसके कार्य ये हो सकते हैं कि फॉस्फेट मूत्र में फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि करने का काम करता है, यानी कि फॉस्फेट से उत्सर्जित करने का कार्य करेगा। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त में फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी और कैल्शियम की मात्रा में कमी आ जाएगी। दूसरी चीज, ये वृक्क यानी कि किडनी और आंत्र द्वारा कैल्शियम के पुनर्अवशोषण का काम करता है, यानी कि अगर पैराथार्मोन की मात्रा अधिक मात्रा में अगर स्रावित होता है तो कैल्शियम के पुनर्अवशोषण की दर में वृद्धि हो जाती है और कैल्शियम के पुनर्अवशोषण की दर को हम कहते हैं हाइपोकैल्शेमिया, हाइपोकैल्शियम कहते हैं, और इस स्थिति में शरीर के अंदर फॉस्फेट की कमी हो जाती है। रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट आयन के नियमन का ये कार्य करता है, यानी कि ये अतिस्राव और अल्पस्राव की मात्रा में रक्त के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के नियमन की क्रिया प्रभावित हो सकती है। दूसरा, ये पेशी संकुचन के लिए भी आवश्यक है,
और दूसरा तंत्रिका अवयवों को प्रेरित करने का ये कार्य करता है और साथ में कैल्शियम रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। अगर इसकी मात्रा में जरा सी कमी आ जाए तो ये तीनों प्रक्रिया पर प्रभावित हो सकते हैं। ये क्या करता है, विटामिन डी के संश्लेषण का करता है, जबकि विटामिन डी हमारे शरीर में कंकाल तंत्र को मजबूत करने का काम करता है, कैल्सिफिकेशन में सहायक है, यानी कि अस्थि निर्माण के लिए इसका योगदान होता जाता है। अब बात करते हैं इनके अल्पस्राव संबंधी रोग, यानी कि इसके पैराथायरॉइड की अल्पस्राव के कारण कौन से रोग हो सकते हैं। तो होता क्या है, इसके अल्पस्राव अगर बाल्यावस्था में हो रहा है तो बाल्यावस्था में पैराथायरॉइड के अल्पस्राव के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है और फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसे कैल्शियम की कमी होगी पेशियों में जकड़न की स्थिति उत्पन्न होगी, अनायास जल्दी होना शुरू हो जाएगा पेशियों में, जिसके कारण दौरे की शिकायत हो सकती है, जिसे मिर्गी या दौरा कहते हैं। यानी कि रक्त में कैल्शियम की वृद्धि की स्थिति को हम कहते हैं हाइपोकैल्शियमिक एनीमिया, और अतिस्राव की स्थिति को हम कहते हैं हाइपरकैल्शियमिया। हाइपर कैल्शियम का मतलब है जबकि रक्त में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाए, इसके कारण अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की वृद्धि होगी लेकिन फॉस्फेट की मात्रा में कमी हो जाएगी, जिसके कारण कमर खोखली और कमर दिखाई देगी, और इसके कारण रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण किडनी में स्टोन बनने की संभावना रह जाती है, जिसे बोलते हैं पथरी, यानी कैल्शियम की जमाव, यानी कैल्शियम की अधिकता के कारण पथरी उत्पन्न हो सके। तो यह अपने पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो कि थायरॉइड ग्रंथि का ही एक भाग होता है, दोनों पालियों पर चार ग्रंथियों के रूप में उपस्थित रहता है।